चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या पढ़ेंगे, प्लेइंग विद नंबर्स, कि नंबर्स के साथ कैसे खेला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है कि नंबर्स को और ज्यादा अच्छे से समझना। इसमें बेसिकली क्या आएंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स ही आएंगे। क्या आएंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स, कि कोई नंबर किसी से कैसे डिवाइड हो पाता है, उसके रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो बेसिकली हम टू का पढ़ेंगे कि टू से कौन कौन सा, वन से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। देखो, डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले क्या करोगे, दो के डिविजिबिलिटी रूल के लिए सिर्फ ये एक बात ध्यान रखना, किसी नंबर के पीछे अगर दो का हो, चार का हो, छह का हो, आठ का हो और जीरो हो, अगर किसी नंबर के लास्ट में दो चार छह आठ जीरो ये वाले डिजिट्स हैं, ये वाले डिजिट्स आए ही हैं, तो वो नंबर दो से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, मान लो तुमसे दे दिया जाए 2 3 5 7 9 और लास्ट में 4 है, तो नंबर दो से डिवाइड होगा ही होगा। लास्ट के डिजिट देखनी है, किसी की लास्ट के डिजिट देखनी है, सिर्फ क्या देखनी है, हाँ नहीं, लास्ट की ही डिजिट देखना, सिर्फ अंत इकाई का अंक देखना है। तो अगर किसी के लास्ट में यहाँ पे 4 की जगह क्या होता, बीच में कितने भी और नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 होगा तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पांच नंबर याद रखना, मतलब जो इवन नंबर्स है। डिविजिबिलिटी बाई टू का रूल क्या कहता है, कि अगर दो का कहता है कि भाई मेरे तो लास्ट में अगर 2 4 6 8 0 ये इवन नंबर होंगे तो ही मैं किसी को डिवाइड करूंगा, अदरवाइज मैं किसी को डिवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, दो का पता चल गया। अब हम करते हैं तीन का। तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कि अगर सम ऑफ नंबर्स तीन से डिवाइड हो, अगर मान लो कोई भी कितना बड़ा नंबर है, अगर सम ऑफ नंबर, इफ सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर भी होगा। मान लो यहाँ पे नंबर है 2 3 5 7, ये नंबर है, अगर चारों का सम कैसे देख लेते, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15 आ रहा है, 15 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये नंबर कहता है मैं भी डिविजिबल हूंगा। क्या कहता है, मैं भी डिविजिबल हूंगा। तो क्या याद रख सकते हो, तीन में डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या रूल याद रख सकते हो, सम ऑफ नंबर इफ सम ऑफ नंबर डिविजिबल, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अगर नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, याद रखना है इसको। ठीक है, आगे समझ में चल गया बेटा। ठीक है, तीन का रूल हमने याद कर लिया, चाहे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए उससे मत घबराना। ठीक है, उसके बाद हम चार का, अब चार का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, चार का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर मेरी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो मैं सबसे डिवाइड हो जाऊंगा। क्या कहता है, कि अगर मेरी लास्ट की 2 डिजिट सबसे डिवाइड किससे, 4 से डिवाइड हो जाती है। देखो जैसे 5 4 7 8 और यहां पे लगा लो 84, ये कोई भी नंबर है, तो अगर पूछ लिया जाए कि तुमसे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, बताओ कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करना है, 4 के में, 4 का क्या कहता है कि इफ लास्ट टू डिजिट लिखते रहोगे साथ साथ में, नोट्स बनाते रहो अपने, डिविजिबल बाय 4। 4 का क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो 4 से, नोट्स बनाते रहना सभी साथ में, तो वो क्या कहता है कि मैं डिविजिबल हो जाऊंगा। अब इसकी लास्ट की 2 डिजिट देख लो, 84
84 डिवाइड बाय 4 हो रहा है, 4 टू जा 84 बन जा, क्या आ जाएगा 21 हो रहा है कंप्लीटली। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। चल गया पता कि 4 का क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए मुझसे, मैं फिर हो जाऊंगा, मैं किसी को भी डिवाइड कर दूंगा। अगर वो 2 डिजिट डिविजिबल होंगी तो मैं कर दूंगा। अब हम आगे क्या करेंगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। देखो 5 का तो तुम्हें पता है, 5 के टेबल में क्या आता है मेनली, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, 5 3 जो 15, 5 4 जो 20। तो रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है इसमें, सिर्फ 0 और 5, 0 और 5। तो 5 का कहता है कि इफ लास्ट डिजिट्स आर, नोट्स बनाते रहना भाई, इफ लास्ट डिजिट्स आर 0 एंड 5, कि अगर लास्ट की डिजिट 0 है या 5 है तो मैं कितने भी बड़े नंबर को डिवाइड कर दूंगा। देखो यहाँ पे एक नंबर जैसे 2 3 5 8 3 9 5, कुछ देख लो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो गई होगा, ठीक है। कुछ देख लो ये कितना बड़ा नंबर है, लास्ट में 0 है तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है ना। पता चल गया कि 5 का क्या होता है, अब हम करेंगे 6 का क्या होता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी रूल 6 का क्या कहता है। अच्छा 6 किस किन दो नंबर से मिलके बना है, जो दो नंबर हमने पढ़े हैं किन दो नंबर से मिलके बना है, 2 और 3, यानी 2 3 6। तो अगर मैं बात करूं 6 की, तो ये क्या कहता है कि अगर तुम नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो मैं भी उसको डिवाइड कर दूंगा। क्या कहता है 6 कि इफ नंबर, क्या कहता है, नोट्स बनाते रहना, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, तो वो क्या करेगा, किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 2 और 3 का रूल 6 का रूल ये कहता है कि अगर 2 और 3 कर रहे हैं किसी को तो मैं भी कर दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं 7 के। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, देखो 7 का थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ध्यान से समझना। 7 का पूछ लिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे तुमसे, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो कुछ भी पूछ लेंगे, कैसे करेंगे। 7 के लिए क्या होता है, 3 डिजिट ले लो, मान लो डिजिट ले लिया हमने 6 8 9 5, ये डिजिट ले ली। 7 का रूल ध्यान से देखना, 7 के रूल में क्या होता है कि तुम्हें जो लास्ट की डिजिट है क्या करना है, डबल द लास्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट को डबल करना है एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, जो बचा हुआ नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करो भाई। कैसे, देखो लास्ट की डिजिट क्या है 5, तो 5 को डबल कर दो, 5 का डबल क्या होगा 5 into 2 10, पावर भी करनी, 5 का डबल करना है, 5 into 2 क्या होगा 10, तो रिमेनिंग नंबर कौन सा है 6 8 9, 6 8 9 में से 10 को माइनस कर दो क्या होगा 6 7 9, तो क्या ये 7 से 9 है, हो रहा है, करके देखो जल्दी से, 6 7 9, 7 से 9 हो रहा है, हो रहा है, कैसे 7 9 जा, करके देखो जल्दी से अपने कॉपी में बताओ मुझे, 7 9 जा क्या है यहाँ पे 63, 7 में से 3 कट 4, 9 7 7 जा 49, हो रहा है, हो रहा है ना, 7 7 जा 49। तो 7 के में क्या याद रखना है, सिर्फ ये चीज याद रखना कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी, उसकी जो लास्ट की डिजिट होगी उसको डबल करना है, फिर उसको घटा देना है जो नंबर बचा है हमारे पास, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना बचा हो। उसके बाद, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम,
एट का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कि एट का रूल क्या कहता है। अब देखो एट भी कुछ ना कुछ चार से रिलेट तो होगा ही, उसका छोटा भाई है, उसके टेबल चार के टेबल में आता है ना आठ, तो आठ बड़ा चार छोटा है। अब क्या करना है, एट का रूल ये कहेगा कि अगर मेरी किसी भी नंबर की लास्ट की थ्री डिजिट डिवाइड होंगी एट से, इफ लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाई एट, तो मैं भी उस नंबर को डिवाइड कर दूंगा। कैसे, देखो क्या कहता है ये, कि लास्ट की लास्ट थ्री डिजिट्स डिविजिबल बाई, तो वो भी उस नंबर को डिवाइड कर देगा। कैसे, देखो टू थ्री कितना बड़ा नंबर ले लो, फाइव सेवन एट नाइन फोर और यहाँ पे ले लो टू। अब सिर्फ ये लास्ट की तीन डिजिट को देख लो, क्या ये आठ से डिविजिबल है, करके देखो जल्दी से लास्ट की तीन डिजिट को। एट वन जा एट, फोर्टीन आया, एट वन जा फिर एट क्या आया सेवन आया, एट नाइन जा सेवेंटी टू फोर आ रही है। तो देखो ऐसे ही नंबर लिखे जा रहे हैं एकदम से जो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। देखो दोबारा से देख लो, एट वन जा एट, वन बचा फोर्टीन, एट वन आएगा क्या बचा फोर्टीन माइनस एट, सॉरी फोर्टीन माइनस एट क्या होता है भाई सिक्स होता है, सिक्स और टू, सिक्स और टू ये होगा क्या, नहीं होगा। एट आठ जा तो छप्पन नहीं होगा, ये एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, बारह में छह बच है, छह बच रहे हैं, रिमेंडर बच रहा है छह, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता फोर्टी एट, अगर यहाँ पे होता टू की जगह यहाँ पे होता फोर्टी एट तो डिवाइड होता, फोर्टी एट होता तो डिवाइड हो जाता ना। तो इसमें क्या याद रखोगे आप, एट के में क्या याद रखोगे, कि लास्ट की थ्री डिजिट डिविजिबल होंगी एट से, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा एट से। अब हम करेंगे नाइन का डिविजिबिलिटी रूल, नाइन का भी सेम है, हमें थ्री का बताता ना अभी, थ्री का रूल क्या कह रहा था, थ्री का रूल ये कह रहा था कि अगर सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाई थ्री तो वो नंबर भी पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। नाइन का भी सेम है, नाइन का रूल भी सेम है भाई, इफ लिखते चलो अपने नोट्स में कॉपी में, इफ सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई नाइन, अगर सारे नंबर्स का सम डिविजिबल होगा नाइन से तो वो क्या होगा, पूरे का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। जैसे दो तीन चार आठ पांच, इनका सम कर लो, सम कर लो इनका, आठ और पांच तेरह, तेरह और चार सत्रह, सत्रह और तीन बीस और दो बाईस, क्या बाईस डिविजिबल है नाइन से, नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर ये कम होता, अगर ये इक्कीस होता तो भी नहीं, अगर ये सत्ताईस होता, सत्ताईस डिविजिबल होता, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ सबका सम देखना है, अगर वो डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा नंबर नाइन से डिविजिबल होगा। उसके बाद हम देखेंगे टेन का, टेन का रूल क्या कहता है, टेन का तो सिंपल है, जिसके पीछे जीरो होगी वो डिविजिबल होगा टेन से। टेन का तुम कितने बड़े तक टेबल लगा लो, टेन का हमेशा दस बीस तीस चालीस, वो इफ लास्ट डिजिट इज जीरो, If last digit, is zero, तो क्या होगा, नंबर डिविजिबल होगा टेन से। पता चल गया, जिसकी लास्ट की डिजिट जीरो होगी वो टेन से डिवाइड होगा ही होगा। अब दस की होगी, दस की तो आप इजीली पहचान सकते हैं, हाँ इसके पीछे जीरो आ रही है तो वो दस से डिवाइड होगा, ठीक है। और क्या करोगे, क्योंकि दस का तो हो ही जाएगा। अब इलेवन का, इलेवन के लिए क्या करोगे, इलेवन का भी थोड़ा सा ट्रिकी है, सेवन और इलेवन ये थोड़े से बच्चों को कंफ्यूज सा कर देते हैं, कि इलेवन के में क्या होता है, सेवन के में क्या होता है। सेवन का तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ लास्ट की डिजिट लेनी है, उसको डबल करना है,
बचे हुए नंबर में से माइनस कर देना है। अगर वो नंबर डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 7 से। उसके बाद क्या करना है, 11th रूल क्या कहता है कि इफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस में सम ऑफ इवन प्लेसेस, क्या आ रहा है दोनों को माइनस करने पे अगर मल्टीपल आ रहा है 11 का या 0 का तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। क्या इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे, इफ लिखो जल्दी से, इफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिफरेंस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 इज मल्टीपल ऑफ 11 एंड 0, तो वो नंबर क्या होगा 0 से डिविजिबल होगा। इसको आप एग्जांपल के थ्रू ही समझ सकते हो। देखो जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने हो गए, टेबल ले लेते हैं 9। इसमें कहां से काउंट करना है, देखो राइट साइड से सीधी तरफ से 1 प्लस से, ये कौन सा प्लेस है 1 है, ये 2 है, ये 3 है। प्लेस की बात कर रही हूं मैं, ध्यान रखना नंबर में स्थान, जेल का स्थान है, इसका चौथा है, इसका पांचवा है, इसका छठा है, इसका सातवा है, इसका आठवा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, पहले इसके ऑड प्लेसेस का सम करना है, यानी 1 का, 3 का, 5 का और 7 का। करो क्या क्या है, 9 + 7 + 5 + 3 क्या है, सोलह, 5, 21, 21 और 3, 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके इवन प्लेसेस को जमा करो। इवन क्या, ये है और ये है, 3 है, यानी 2 + 4 + 6 + 8 क्या आ रहे हैं, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 8, 20। डिफरेंस करके देखो, दोनों का डिफरेंस 24 - 20 क्या आ रहा है, 24 में से 20 गए 4, लेकिन ये तो ना तो उसका मल्टीपल है, मल्टीपल नहीं है ना ये, ना तो 11 का है, नहीं 0 का है, यानी ना तो इनका सम 0 आ रहा है, ना ही 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है। अगर सम यहाँ पे, अगर यहाँ पे 24 होता, 24 - 24 यानी यहाँ भी 24 होता, अगर मैं 1, 2 को बढ़ा के मैं दोबारा से 6 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 10 + 6 = 16 + 8 = 24 हो जाएगा। समझो ना एक बार ध्यान से जल्दी से, ये क्या हो जाएगा 24, अब 24 - 24 क्या आएगा, 24 - 24 क्या आएगा 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होता। अगर डिफरेंस 0 आ जाए, अगर डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल मतलब 11 × 22 = 33, 44, 55 ऐसे ऐसे नंबर्स आ जाए, तो वो नंबर डिविजिबल होगा ही होगा 11 से। पता चल गया 11 का, दोबारा से देखो, एक इवन प्लेस ऑड प्लेसेस को लेना है, यानी पहले तीसरे पांचवे सातवें उनका सम कर लेना है, फिर इवन प्लेसेस को लेना है दूसरे चौथे छठे आठवें, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, उन दोनों को घटाना है, उन दोनों को घटाने के बाद अगर 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चल गया बता, ठीक है। यहाँ पे 6 लोगे तभी तो यहाँ पे 6 आएगा, ये लो यहाँ पे 6 लिया तभी तो यहाँ पे 6 आया, आगे समझ में आई वाली बात। अब हम पढ़ेंगे 11 के बाद क्या आएगा, 12 का। 12 का रूल क्या कहता है, 12 का रूल ये कहता है, देखो 12 बना किस किन दो नंबरों से, जो नंबर अभी हमने पढ़े किन दो नंबरों से बना है, 3 × 4 क्या होता है 12 होता है, 3 × 4 = 12 होता है ना, ठीक है। 6 × 2 भी होता है, लेकिन ये इसको फॉलो नहीं करता, ये इसको फॉलो करता है कि अगर लास्ट की डिजिट, अगर नंबर कोई भी नंबर लिखो जल्दी से नोट्स में, इफ नंबर डिविजिबल, यानी इफ नंबर
डिविजिबल बाय थ्री एंड फोर। अगर तीन और चार दोनों से डिविजिबल है, तीन और चार दोनों से डिविजिबल है, तो नंबर क्या होगा, 12 से भी डिवाइड होगा ही होगा। 12 ये कहता है कि मैं तो ये मान के चलूंगा कि अगर मेरे दोनों छोटे भाइयों से, दोनों छोटे भाइयों से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो मैं भी उसको डिवाइड कर दूंगा भाई, ठीक है। तो 12 का रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर तीन या चार से डिवाइड होगा, और तीन या चार का रूल आपको अच्छे से पता है, तीन के लिए क्या है सिर्फ सम ऑफ नंबर्स देखना है, और चार के लिए क्या देखोगे कि लास्ट के टू डिजिट्स डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरे डिविजिबिलिटी रूल्स का पता चल गया होगा कि कौन कौन से नंबर्स कैसे कैसे डिवाइड करते हैं दूसरे बड़े बड़े नंबर्स को। एक बार जल्दी से रिकैप करो, जल्दी से फटाफट, टू का क्या कहता है बोलो, टू का क्या कहता है करो जल्दी से दिमाग में तो करो। टू का कहता है कि अगर नंबर के पीछे इवन नंबर होगा, दो चार छह आठ जीरो, तो वो डिवाइड कर देगा। थ्री का क्या कहता है, सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाई थ्री, सारे नंबर्स का सम अगर तीन से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी हो जाएगा। चार का क्या कहता है, चार का कहता है कि अगर लास्ट की दो डिजिट डिविजिबल है, नंबर की लास्ट की दो डिजिट चार से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। पांच का क्या कहेगा, पांच का कहता है अगर नंबर के पीछे जीरो और पांच है तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। सिक्स का बोलेगा कि मेरे छोटे भाई है दो, दो और तीन, अगर कोई नंबर दो से डिविजिबल है और तीन से है तो मैं भी उसको कर दूंगा। छह का ये बोलता है। सात का क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर हो और उसकी लास्ट की जो डिजिट है उसको डबल कर दो, उसको दुगना करके और बचे हुए नंबर में से घटा दो, बचे हुए नंबर में से घटाने पे जो भी नंबर आएगा अगर वो उससे डिवाइड हो जाता है तो मैं उस पूरे नंबर को कर दूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद आठ का, आठ का क्या कहता है कि लास्ट की तीन डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए पूरे नंबर की आठ से, तो मैं उस पूरे नंबर को डिवाइड कर दूंगा। लास्ट की थ्री डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए आठ से। नाइन का कहता है सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय नाइन, अगर सारे नंबर्स का सम डिविजिबल है नाइन से तो सारे नंबर्स मैं पूरे नंबर को डिवाइड कर दूंगा। टेन का क्या कहता है, नंबर के पीछे जीरो होनी चाहिए। इलेवन का क्या कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस का डिफरेंस जीरो आता है या इलेवन का कोई मल्टीपल आता है तो वो नंबर डिविजिबल है मुझसे। बारह कहता है कि तीन और चार से डिविजिबल होना चाहिए वही नंबर, मेरी कंडीशन है तीन और चार से डिविजिबल होना चाहिए नंबर, तभी मैं उसको डिवाइड कर पाऊंगा। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द फोर डिजिट नंबर 5 और 3 इज डिविजिबल बाय 9। ऐसे क्वेश्चन दे देगा घुमा फिरा के। क्या पूछ रहा है कि y की वो वैल्यू बताओ कि चार डिजिट का नंबर 5 1 by 3 ये वाला नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल अभी पढ़ा है ना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का कहता है पहले नंबर को लिख लो 5 1 by 3, अब डिविजिबल बाय 9। 9 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ नंबर्स, सारे नंबर्स का सम, यानी 5 + 8 + y + 3 मुझसे डिवाइड हो जाए तो इसका सम करके देख लो, y से डिवाइड मत कि y की वैल्यू तो हमें बतानी है कि यहाँ पे y की वैल्यू आएगी क्या, 5 + 8 = 6 + 3 = 9 9 + y। अब सोच कर देखो, जल्दी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे मैं y की जगह क्या रखू कि जो नंबर आएगा वो 9 से डिवाइड हो जाए, वही तो बताना है हमें, y की वो वैल्यूज बतानी है कि यहाँ पे y की जगह क्या लिखे कि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 9 की जगह सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 रखूं तो 9 + 0, अभी हमने एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वो वही नंबर आता है। 9 + 0 क्या होता है, 9 तो डिविजिबल है 9 से, यानी 1 तो आएगी 0। और देखते हैं कोई और, क्या अगर मैं 9 + 0 की जगह 1 रखूं, नहीं होगा, 1 तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 रखूं, नहीं होगा, 3 रखूं 12 हो जाएगा, 4 रखूं तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट 9 की जगह, तुमको पता है
9 के बाद किससे डिवाइड करता है 9 के बाद कौन से नंबर को डिवाइड करेगा 9 टू 18 यानी अगर मैं यहां पे 0 यहां पे 0 रख के देख लिया हमने 9 से डिवाइड हो रहा अगर मैं यहां पे 9 रख के देख लूं तो क्या आएगा 9 प्लस 9 क्या होता है 18 तो 18 भी तो डिवाइड है 18 डिवाइडेड है ना 9 से क्योंकि वो उसका मल्टीपल है 18 तो इसलिए ये दोनों नंबर 0 और 9 अब इसमें आगे और क्या लिख सकते हैं जब 0 आ गया 9 आ गया बीच में कोई नंबर आए नहीं तो सिर्फ ये ही दो वो नंबर हैं जिसको मैं अगर इस नंबर में ऐड करूं तो क्या आएंगे 9 से डिविजिबल हो जाएंगे आगे समझ में कोई भी वैल्यू एक नंबर मिसिंग रहेगा तो वैसे डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए कि 4 का क्या है 8 का क्या है 9 का क्या है तो 9 का क्या है कि सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल होना चाहिए तो हम सम करके देख लेते हैं 5 6 तो 9 प्लस y अब हम देखते हैं y में क्या जोड़े y में हम ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए 9 प्लस 0 9 9 प्लस 9 80 तो क्या सिर्फ 0 जोड़े ऑप्शंस पे देखो कैसे 0 जोड़ने से आ रहा है जी नहीं क्या सिर्फ 9 जोड़ने से जी नहीं आता है लेकिन अकेला 9 से तो नहीं आ रहा 3 जी नहीं बहुत 0 और 9 जी हाँ 0 और 9 दोनों को जोड़ने पे ये 9 से डिविजिबल हो रहा है अकेले होता ही से नहीं रहा लेकिन जब हमें और देख लेते हैं ऑप्शन में इसको रहने देते हैं अभी कि होता रहा लेकिन और देख लेते हैं तो क्या है बहुत 0 और 9 दिस इज द राइट आंसर ऐसे ही क्वेश्चन में देखा यहाँ पे डिविजिबल वाई 9 की जगह कुछ और दे देता 8 दे देता 8 करूं तुम्हें पता है तो ठीक है ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि वैल्यूज पूछ लेता है ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर 1 का ठीक है आगे में यहां तक बात समझ में सबको डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर है तो आई होप कि आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर हो गए होंगे थैंक यू